विसापुर गांव में बाघ की दहशत है, जल्द से जल्द बाघ का बंदोबस्त करने की मांग नागरिक कर रहे हैं। विसापुर गांव में बाघ ने आतंक मचा रखा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार विसापुर के वार्ड क्रमांक 5 में हर रोज नागरिकों को बाघ के दर्शन हो रहे हैं, जिससे नागरिकों में दहशत है। इतना ही नहीं तो यहां से गुजरने वाले पेपर मिल मजदूर भी अपनी जान हथेली पर लेकर गुजर रहे हैं। बस्ती में बाघ का आगमन होकर लोगों के घर के पालतू जानवरों पर भी बाघ हमला कर रहा है। इसी कड़ी में 8 अक्टूबर को विकास पाल नामक व्यक्ति के घर बाघ ने बकरी पर हमला कर उसे मौत के घाट उतारा। नागरिकों ने भाजपा युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष संदीप श्रीहरि पोड़े इन्हें इसकी जानकारी दी। संदीप पोड़े ने तत्काल इसकी दखल ली। संदीप पोड़े तत्काल घटनास्थल पर पहुंचे और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी। संदीप पोड़े और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने जिस इलाके में बाघ आतंक मचा रहा है उस इलाके में निरीक्षण किया और बाघ को कैद करने के लिए प्रपोजल तैयार करने का बताया। गेल्या एका महिन्यापासून विसापूर मध्ये कंटिन्यू वाघाचं दर्शन लोकांना होऊन राहिलेलं आहे। लोकांच्या घरात म्हणजे गावामध्ये वाघ एंटर करून लोकांच्या घरातून कुत्रे आणि बकरे घेऊन चाललेला आहे, परंतु अजूनपर्यंत जेरबंदीचा ऑर्डर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटने काढलेला नाही आहे। आम्हाला असे सांगून राहिले आहे की आम्ही जेरबंदीचा प्रपोजल तयार करून राहिलो, परंतु अजूनपर्यंत जेरबंदीचा प्रपोजल तयार झालेला नाही आहे। तरी आदरणीय सुधीर भाऊ, मी तुम्हाला विनंती करतो की या आलेल्या संकटातून आम्हाला दूर करा। या प्रकारचे लहान लहान पोरं देखील इथं राहतात व यांच्या समोरून वाघ गेलेला आहे। अनुचित प्रकार घडायला वेळ लागणार नाही व तुमच्या व्यतिरिक्त या संकटातून आम्हाला दुसरं कोणी काढणार नाही। तरी मी तुम्हाला विनंती करतो की फॉरेस्ट डिपार्टमेंटला तात्काळ बिबट जेरबंद करायचे आदेश देऊन हा वाघ जेरबंद करून आम्हाला संकटमुक्त करावं, ही विनंती करतो।